friends, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. Today we start our new chapter, chapter number 12, money. Our today's topic is exercise 12.1. Today's date is 4th of March 2021. Today's day is Thursday. So let's start. Here, exercise 12.1. A. Filling the blanks. 5 liter of milk cost ₹150. The cost of 1 liter of milk is ₹ हमें 1 liter milk की value ढूंढनी है. हमें 5 liter milk की cost दी हुई है ₹150. तो इसमें हमें क्या करना है? देखो 1 liter की of milk हमें cost जानना है. तो हम क्या करेंगे? 150 को 5 से divide कर देंगे. ऐसे 150 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15, 0 0 और 0 डाउन, तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा. तो आंसर क्या मिला? 30. इसलिए हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया ₹30. तो हमें मिल गया आंसर, द कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क इज ₹30. नाउ थर्ड, इफ 4 चॉकलेट्स कॉस्ट ₹60, द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज, देखो सिंगल चॉकलेट है उसकी हमें प्राइस ढूंढनी है कॉस्ट, ठीक है. 60 हमें दिया हुआ है प्राइस, कितने चॉकलेट्स की? 4. तो हमें क्या करना होगा? 60 से 4 को डिवाइड, 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. 4 वन ज़ा 4, 20 एंड 15, यहाँ पर 20 आ जाएगा. ओके, या तो फिर आपको 15 का टेबल भी आता है तो 15 फोर जाए 60, ऐसे भी कर सकते हो. ओके, सो आंसर इज 15. गेट इट? तो एक चॉकलेट की प्राइस कितनी होगी? कॉस्ट ₹15. नाउ फिफ्थ, 7 पेन कॉस्ट 49. सो द कॉस्ट ऑफ 1 पेन विल बी, इसमें भी डिवाइड ही करना है, 49 डिवाइड बाय 7. इतना करोगे तो 7 साइज 49, तो यहाँ पर ₹7 ऐसा लिखा है, ठीक है. और ये फोर्थ में, अ डजन इरेजर्स कॉस्ट ₹36. सो 1 इरेजर कॉस्ट, डजन मीन्स कितने होते हैं? 12. 36 को 12 से डिवाइड करोगे, वॉट एवर आंसर विल यू गेट, यू हैव टू नोट इट डाउन हियर. ओके, नाउ B. Solve this word problem. How much will 8 books cost if 7 books cost is 910? इसमें क्या करना है? देखो, पहले एक बुक के लिए कॉस्ट ढूंढ लो, उसके बाद उसको, एक बुक के लिए अगर कॉस्ट हमें मिल जाएगी तो हम फिर क्या करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देखो, कॉस्ट फॉर वन बुक इज 910 डिवाइड बाय 7. ओके, ये आपको रफ वर्क में करना है. 910 7 से डिवाइड करना है, ठीक है. तो उसका कैसे होगा? यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये रफ पेज में. 910 डिवाइड बाय 7, 7 वन ज़ा 7, 2 यहाँ पर 1, 7 थ्री ज़ा 21, 0 0 0 तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो 130 मिला आंसर. तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा? 130. ओके, कॉस्ट फॉर वन बुक इज ₹130. नाउ व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स, वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई. अभी लिखेंगे कॉस्ट फॉर 8
बॉक्स 130 × 8 130 × 8 दिस इज़ माई रफ वर्क ओके आप साइड में भी कर सकते हो रफ वर्क में भी 8 × 0 इज 0 8 × 3 इज 24 8 × 1 इज 8 प्लस 2 10 1040 तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1040 रुपीस सो व्हाट इज अवर आंसर द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज 1040 रुपीस 1040 रुपीस ओके नाउ नेक्स्ट थर्ड वन अ बैग ऑफ 10 केजी ऑफ राइस कॉस्ट 185 व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 8 केजी ऑफ राइस मतलब इन्होंने क्या बोला है जो ये बैग है ठीक है वो 10 केजी के राइस का है उसके कॉस्ट है 185 तो हमें जानना है कि 8 केजी राइस अगर लेना है तो उसके प्राइस कितने होंगे उसके लिए पहले 1 केजी के लिए ढूंढना पड़ेगा तो क्या करेंगे डिवाइड 185 को लिखेंगे यहाँ पर आंसर में कॉस्ट फॉर वन के जी राइस इज इक्वल टू 185 डिवाइड बाय 10 तो उसका आंसर क्या आ जाएगा ये डेसिमल में हम लिखेंगे डेसिमल में हमने जैसे सीखा ना डिवाइड वाला तो एक पॉइंट कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 18.5 रुपीस नाउ हमें कितने 8 केजी राइस के लिए हमें जानना है इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे कॉस्ट फॉर 8 केजी राइस इज इक्वल टू 18.5 × 8 ओके अब इसका कैलकुलेशन हम रफ वर्क में करेंगे 18.5 × 8 18.5 × 8 पॉइंट अभी नहीं रखेंगे बाद में रख देंगे 8 × 5 = 40 8 × 8 = 64 + 4 = 68 8 × 8 + 6 = 14 और यहाँ पर पॉइंट था वन डिजिट के पहले तो यहाँ पर भी वन डिजिट के पहले पॉइंट रखेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 148 पॉइंट के पीछे ज़ीरो है तो सिर्फ इतना भी अगर लिखेंगे हम लोग तो भी चलेगा तो आंसर क्या आएगा 148 आंसर 148 रुपीस गेट इट नाउ नेक्स्ट द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स इज रुपीस 26 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल 10 पेंसिल की कॉस्ट हमें मिली है तो पहले 1 पेंसिल की कॉस्ट ढूंढेंगे तो लिखेंगे कॉस्ट फॉर 1 पेंसिल इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 10 डेसिमल में हमने सीखा है 2.6 आएगा आंसर नाउ व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल तो क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल इज इक्वल टू 2.6 × 4 4 6 = 24
फोर टू ज़ा एट प्लस वन प्लस टू टेन 104। पर इसमें पॉइंट यहाँ कट करना है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट था 2.6, इसलिए 10.4। यहाँ आंसर आएगा 10.4 रुपीस। ओके, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फोर पेंसिल? द कॉस्ट ऑफ फोर पेंसिल इज 10.4 रुपीस। I hope you understand this video very well, and rest of the sums you have to do at your home with yourself and send your homework to me. Thank you.